हाँ तो नमस्कार गाइज, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि ज्यादातर लोगों की एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम होती है कि उन लोगों को ये ही नहीं पता होता है कि उनको लाइफ में करना क्या है। जी हाँ, कोई सोचता है हम यूट्यूबर बने, कोई सोचता है हम पढ़ाई करें, फिर वो ये भी सोच लेता है कि यार हम तो जो है प्राइवेट जॉब भी ले सकते हैं, आईटीआई कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कोर्स कर सकते हैं, या फिर कोई भी मतलब कि प्राइवेट साइड सेक्टर में जा सकते हैं। कोई सोचता है गवर्नमेंट जॉब करें, आईएएस पीसीएस बने, मतलब कि बहुत सारे यहां पर कंफ्यूजन रहते हैं लोगों के कि उनको बनना क्या चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो है इस बात की एटलीस्ट क्लियरिटी हो ही जाएगी कि आपको लाइफ में करना क्या है, कि आपको यूट्यूबर बनना है, सक्सेस यूट्यूबर, बिजनेसमैन, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी है टोटल। ठीक है, तो देखो यार, इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए सबसे पहले हमें खुद को एनालिसिस करना होगा, मतलब कि हमें सेल्फ एनालिसिस करना होगा, आत्मविश्लेषण, कि हम हमारे अंदर क्या है, हम किस चीज के लिए बने हुए हैं। देखिए, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूं, मान लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कैसे राजनीति में गए? वो राजनीति ही कर रहे हैं ना, वो बिजनेस नहीं कर रहे हैं, वो जा करके कोई मतलब यूट्यूबर नहीं बन रहे, वो कुछ और नहीं कर रहे हैं। तो उनको पता है कि वो राजनीति के लिए बने हैं, तो वो अपना 101% अपना पॉलिटिक्स में दे रहे हैं और वो एट द टॉप लेवल पर हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर हर चीज में टॉप पर होते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए इस टाइम पे जो भी इंसान सक्सेसफुल है उस फील्ड में, बहुत अच्छे से एकदम टॉप पर, वो उस काम को बहुत ही अच्छे से कर रहा है और सिर्फ उसी काम को कर रहा है, वो कुछ और नहीं कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है यहां पर कि हर इंसान किसी एक प्रॉपर चीज के लिए बना होता है, उसको इस बात की माइंड में क्लैरिटी होती है 100% कि आखिर उसको क्या करना है, वो किस चीज के लिए बना है, वो किस लिए आया है इस दुनिया में, उसका पर्पस क्या है। तो इसी प्रकार से आप लोग अगर अपने पर्पस को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं इस वीडियो में आपको यही बात की सियोरिटी देने वाला हूं, इस बात के इस कंफ्यूजन को आपको दूर करने वाला हूं कि आखिर आप किस चीज के लिए बने हैं, ताकि हमारा जो भी टाइम है, हमारे अंदर जो भी स्किल है, हमारे जो भी मेहनत है, हम किसी एक चीज के लिए, एक प्रॉपर चीज के लिए दे सकें जिसमें अपना 100% देंगे। क्योंकि आप लोगों को ये भी पता है कि दो नाव पर सवार होकर के किसी भी नदी को नहीं पार किया जा सकता, ये आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से आप दो तीन काम को कर रहे हैं, सोचिए कि इसमें कर लेंगे, उसमें टॉप पे कर लेंगे, उसमें कर लेंगे, नहीं भाई, कुछ नहीं हो सकता। फिर किसी एक काम को पकड़ो, उस पर आप अपना 100% दो, तभी जाकर के आपका बेड़ा पार होगा, आपकी नाव का पार होगी। उसी प्रकार से जैसे कि आप इस एग्जांपल को लेकर भी इस बात को समझ सकते हैं कि कई जगह पर 5-5 फीट गड्ढा करने से अच्छा है आप एक ही जगह पर 100 फीट गड्ढा करो। ठीक है, कहने का मतलब 100 जगहों पर 5-5 फीट गड्ढा करने से पानी नहीं निकलेगा, लेकिन अगर एक जगह पर आप 100 फीट गड्ढा करोगे तो वहां से पानी जरूर निकल जाएगा, वहां पर आपको सक्सेस जरूर मिल जाएगी। उसी प्रकार से आप अपना लक्ष्य एक निर्धारित करके उस पर आप अपना 100% देंगे, तो वहां पर 100% आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो आइए बात करते हैं कि आखिर आपका पैशन क्या है, आप किस चीज के लिए बने हैं। ठीक, तो अगर हमें ये जानना है कि हम किस चीज के लिए बने हुए हैं, तो हमें थोड़ा थोड़ा हर चीज के लिए देना होगा अपना टाइम। जैसे कि पहले हमको सेल्फ एनालिसिस करके ये जानना होगा कि आखिर मेरा इंटरेस्ट किस में है, आपको सबसे अच्छा क्या लगता है, पहले तो ये चीज जान लेते हैं। क्या आपको टेक्निकल वाली चीजें ज्यादा अच्छा लगती है, क्या आपको लोगों का इलाज करना ज्यादा अच्छा लगता है, लोगों को बचाना मतलब बीमारी वगैरह से, कि आपको डॉक्टर बनना है या नहीं, आपको मशीनों से ज्यादा प्यार है, ज्यादा लगाव है, आप मशीनों की ओर ज्यादा भागते हैं, इट मीन्स आप इंजीनियर बनना चाहते हैं। उसी प्रकार से आपको नई नई चीजों की खोज करना, वो चीजें अच्छी लगती है, आप वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, या फिर जो है आपको जो है मतलब कि सोशल मीडिया से जुड़े रहना बहुत ज्यादा पसंद है, वीडियोस वगैरह बनाना, वो सब देखना, तो वो सब चीजें ज्यादा पसंद है, तो आप यूट्यूबर वगैरह, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वगैरह बन सकते हैं। ठीक, तो इसी प्रकार से आपको पहले तो अपना खुद का इंटरेस्ट निकालना होगा, भाई मुझे क्या अच्छा लगता है। अब ये काम आपका है कि आपको ये बात कैसे पता लगेगा कि आपके अंदर कौन सी स्किल छुपी हुई है, आपको किस चीज का इंटरेस्ट है। पहले तो इंटरेस्ट निकालिए आप कि आपको मजा किस में आता है। तो जिस चीज में आपको मजा आता है, मान लीजिए आपने लिख लिया कोई चीज, मान लीजिए आप 2-4 चीज भी लिख लिए, मोस्टली तो कोई एक ही चीज होगा जिसमें आपको बहुत ज्यादा मजा आता होगा, खेल है वो चीज, मतलब खेलना हो गया, कोई स्पोर्ट में कोई फील्ड हो गया, ऐसे प्रकार से आपको कुछ भी हो सकता है। वो एक चीज जब आपको पता लग जाए, उसके बाद आपको थोड़ा सा ये देखना है कि क्या मेरा ये लेवल है कि नहीं। लेवल का मतलब ये है कि अगर उसमें पैसा लगता है, जैसे कि मान लीजिए बॉडी बिल्डिंग आपको पसंद है, आपको बॉडी वगैरह बनाना, डोले सोले, तो वो अगर आपको पसंद है, तो ये सबके बस की बात नहीं है, ये उसके बस की बात है। इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लगती है, मतलब कि पहले आपको शरीर बनाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, तो उसके लिए भी देखो फिटनेस हो गया, डाइट हो गया, जिम वगैरह करना, खाना पीना बहुत ज्यादा पड़ता है, बहुत सारी चीजें मतलब होती है, वो सब आगे चीजें हैं, तो वही सब चीजें। तो पहले आप अपनी स्टैंडर्ड देखिए कि क्या आप उस चीज को उतना कैपेबल हैं, आप क्या आप फाइनेंशियली
मेंटली उतना कैपेबल है कि आप उसको कवर कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, आप जाइए। लेकिन अगर नहीं भी कर सकते हैं तो आप अपना पहले तो इंटरेस्ट जानते रहिए, हाँ मेरा इसमें भी इंटरेस्ट है। दो चार चीज आप मान लीजिए लिख लिए, उसमें जो टॉप प्रायोरिटी पर आता है उसको देखिए, उसके बाद वाले को देखिए। तो ऐसे करते करते आपको जब लगे कि हाँ मेरा इससे सब कुछ मैच हो रहा है, एक तो आपका इंटरेस्ट उसमें मैच हो रहा है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है उसमें, चलो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आपका लेवल भी, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं बॉडी बिल्डिंग वगैरह को छोड़ करके, बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जिसमें आपको पैसा ज्यादा नहीं लगेगा, बस आपके अंदर लगन होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए। मान लीजिए आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं तो आपको ज्यादा बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है। आपके अंदर अगर स्किल बहुत अच्छी है, आप पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छे से करते हैं, मतलब आपका माइंड बहुत तेज है, आप मेहनती बालक हैं, तो फिर स्कॉलरशिप्स और भी बहुत सारी चीजें ऐसी फैसिलिटीज हैं हमारे कंट्री में कि आप जो है अच्छे से मतलब कंपनियां आपको हायर कर लेंगी, वो आपको मतलब करवा देंगी आगे चीजें, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो उसी प्रकार से आपका जो है वहां पर स्किल एक तो मैच होना चाहिए, आपको उसमें जो है इंटरेस्ट है पहला चीज, दूसरा आप उसको कर सकते हैं अच्छे से मन लगा करके, और जो है फाइनेंशियली भी आपका लेवल है उसमें, और जो है उसमें आप थोड़ा सा फ्यूचर देख सकते हैं कि क्या इसमें आगे चल के फ्यूचर हमारा सिक्योर है, क्या ये एक सिक्योर प्लेटफॉर्म है। तो ये देखिए इस तरह की कुछ चीजें जो आपसे रिलेटेड हैं वो अगर उसमें मैच कर गई तो भाई आप उसी चीज के लिए बने हुए हो। तो आप फालतू के काम छोड़ो कि आप ये भी कर रहे हो, आप वो भी कर रहे हो, आप वहां भी चले जा रहे हो, ये भी कर ले रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप वीडियो भी बना देते हो, कभी कभार ब्लॉगिंग भी कर देते हो, कभी कभार जो पढ़ाई चले जाते हो फिर छोड़ देते हो उसको, किसी चीज की कोचिंग पकड़ लिए, कभी खेल के लिए चले गए, ऐसा नहीं। आपको समझ में आ जाएगा कि प्रॉपर आप उस एक चीज के लिए बने हुए हो, फिर वहां पर अगर आप अपना 100% देना स्टार्ट कर दोगे, कहने का मतलब ये है कि जो छोटे छोटे आप गड्ढे खोद रहे थे 100 जगहों पर 5-5 फीट के, अगर आप सारा का सारा मेहनत केवल एक जगह पर लगाओगे और 100 फीट का गड्ढा खोद दोगे, इसका मतलब पानी वहां से निकल जाएगा, अर्थात सक्सेस वहां पर आपको मिल जाएगी। तो आपको जब ये बात क्लियर हो जाए तो आप बस अपना 100% उसी फील्ड में लगाने लग जाओ। 4 महीने, 6 महीने, 10 महीने, 1 साल, 2 साल ऐसे लगाओगे ना तो आप उस फील्ड के पक्के खिलाड़ी बन जाओगे। आप वहां से वो फील्ड आपके लिए सब कुछ बन जाएगा, आपको लाइफ टाइम अर्निंग भी दे देगा, आपको नेम फेम मनी सब कुछ आपको दे देगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं मैंने जो आपको समझाया आप लोग समझ गए होंगे, और आप लोग अब इसी तरीके से अपना वर्क करेंगे जो भी आपको लाइफ में करना है, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य वीडियो